हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होगे। गाइस, मैं हूं सनी ताजप्रिया एंड स्वागत है आप सभी का डेमन किंग यूट्यूब चैनल की एक धमाकेदार वीडियो में। गाइस, लेके आ गया हूं एक काफ़ी कमाल की वीडियो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए या उसके अंदर कुछ भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आइए तो सबसे पहले कुछ मेरे भाई लोगों को यहाँ पर देंगे शॉर्ट आउट। तो ये दोनों मेरे भाइयों को शॉर्ट आउट जो कि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। बात करने वाले हैं एक विंडो एमुलेटर की। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिक्स एमुलेटर की। जी हाँ गाइस, तो टर्मक्स में रन होता है, जैसे मोबॉक्स रन होता है ना, वैसे ही टर्मक्स में वो भी रन होता है। एंड RPCA3 उस एमुलेटर में रन हो रहा है, ठीक है। एंड गेम वगैरह भी चल रहे हैं लेकिन नहीं के बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्स एमुलेटर गाइस ऑप्टिमाइज नहीं है मोबॉक्स की तरह, ठीक है। तो मोबॉक्स एक बहुत ही बढ़िया एमुलेटर है एंड बहुत ही अच्छा जो है ऑप्टिमाइज है, एंड उसके अंदर कुछ एमुलेटर भी चल रहे हैं एंड गेम भी रन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें गेम नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहे है। RPCA3 मोबॉक्स एमुलेटर में रन होता तो शायद हम प्लेस्टेशन 3 के गेम रन कर पाते, गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम रन कर पाते, लेकिन नहीं, ये एमुलेटर मोबॉक्स में रन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड जो पुराना जो एमुलेटर है RPCA3 वो रन हो रहा है, लेकिन उसमें जो हैवी गेम है वो रन नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये जो अभी हाल ही के जो बिल्ड है RPCA3 के वो रन होते तो शायद हम गॉड ऑफ वॉर 3 जैसे गेम भी रन कर पाते मोबॉक्स एमुलेटर में। एंड ये जो फिक्स एमुलेटर है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें गेम नहीं के बराबर चलते, बहुत ही ज़्यादा लैग करते हैं। PC के गेम भी बहुत ही ज़्यादा लैग करते हैं, ठीक है। अगर आप RPCA3 को रन करना चाहते हो अपने फ़ोन में तो आप ये फिक्स एमुलेटर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फिक्स एमुलेटर इनके ऑफिशियल गेटअप पेज पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगी जो कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ से आपको कॉपी करके सिर्फ आपको टर्मक्स में पेस्ट करना है, बस ऑटोमेटिकली आपका एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर किस किस डिवाइस में सपोर्ट करेगा वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर माली ZPU में नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट इसकी आप देख पा रहे होगे स्नैपड्रैगन 845 एंड 855, ठीक है। एंड 6GB रैम एंड 8GB रैम। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है तो आप फिक्स एमुलेटर को अपने फ़ोन में रन कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी लोग गॉड ऑफ वॉर 3 खेलने की बात कर रहे हैं, भाई ऑफलाइन अभी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो गेम CC की मदद से ऑनलाइन आप प्ले कर सकते हो क्लाउड गेमिंग की मदद से, ठीक है, गॉड ऑफ वॉर 3 को। एंड ऑफलाइन तो नहीं अभी प्ले कर सकते, ठीक है। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, यही थी आज की इंफॉर्मेशन सारी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।